सब्सक्राइब करें वाइन इंडस्ट्री चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में मैं तीन मेथड अलग अलग बताऊंगा, जैसे आप विस्की का कलर दे सकेंगे सेम वैसा ही, जैसा इंग्लिश दारू जो भी आप बोलते हो सेम वैसा ही कलर आएगा। पहला तो मेथड काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग यही यूज़ करते हैं, बाकी सारी बहुत सारी कंपनियां जो हैं छोटी मोटी वो भी यही करती हैं कलर देने के लिए विस्की का। तो इसमें करना क्या है, हमको थोड़ा सा शुगर लेना है, अपना वाइट शुगर जो होता है घर में, उसे जला लेना, मतलब बर्न कर दो पूरा, एक प्लेट में ले लो और जला लो। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। इसमें धुआं उठने लगा है, जलने लगा है, काफी धुआं होता है। देख सकते हो शुगर जल रहा है। ऑलमोस्ट हो गया है, ये धुआं काफी होता है, आपका बर्तन भी खराब होगा बहुत, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी साफ करने के लिए इसके बाद में। तो ये जैसे ही जल जाता है पूरा शुगर, ब्राउन हो जाता है थोड़ा, तो इसमें आप जो भी आपका डिस्टिल किया हुआ है इसके अंदर मिक्स करना है, जो डिस्टिल करके हमने रखा था, और थोड़ा सा शेक कर लो, मतलब मिक्स कर लो। ये उसमें कलर घुल जाता है जो भी जली हुई चीनी का कलर है, देख सकते हो ये कितना कलर आ रहा है ब्राउन एकदम। और इसे फिर बाकी के बिस्किट में मिक्स कर दो, काफी अच्छा कलर आता है, मतलब अच्छा तरीका है कलर देने के लिए। देख सकते हो सेम वैसे ही आया है जैसे बिस्किट का कलर होता है। अभी इसको जितना डार्क करना उतना कर सकते हो, मतलब चीनी के अंदर जितना देर तक रखोगे, जितना उसे मिक्स करोगे स्लोली, वो उतना ही ज्यादा गाढ़ा कलर आएगा। काफी अच्छा तरीका है ये भी, बहुत जगह यही यूज होता है, बहुत सारे लोग यही यूज करते हैं कलर देने के लिए। अभी ये जो दूसरा तरीका मैं यूज करने वाला हूँ, ये मैंने उड लिया है, ये जामुन का लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी है। आप इसकी जगह कोई भी लकड़ी ले सकते हो, कोई भी फ्रूट की लकड़ी ले लो, कोई नीम की लकड़ी मत ले लेना। और सबसे बेस्ट जो होता है वाइट ओक की लकड़ी होती है, उसका एक अलग सा फ्लेवर होता है स्मोकी, और वो काफ़ी अच्छा होता है। तो वो तो मुझे मिला नहीं अभी फ़िलहाल, तो इसके लिए मैं वो नहीं दिखा पाया, मेरे पास जो है अवेलेबल यही मैं दिखा देता हूँ। तो इसको एल्यूमिनियम पेपर में रैप कर लेना है, रैप करने के बाद इसको रोस्ट करना है, जलाना नहीं है रोस्ट करना है। ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको टाइम लग सकता है, ये जलेगा धुआं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें जलाने के लिए, काफी धुआं आता है इसमें से जब वो रोस्ट होता है। तो अभी होने के बाद इसे निकाल देना है एल्यूमिनियम फॉइल से। ये देख सकते हो काफी रोस्ट हो गया है, आधा हो गया है, उतना ही चाहिए था, मैंने एक साइड से ही पकड़ा था तो आधा हो चुका है, इतने में भी आ जाएगा कलर जितना चाहिए। इसको फिर ग्लास के अंदर डालना है या बॉटल के अंदर डालो, और उसमें जो डिस्टिल की हुई विस्की रहती है वो डाल दो, करके देख लेते हैं इसको। अभी ये डालने के बाद इसको आपको बहुत दिन रखना पड़ेगा, ये तकरीबन मैंने 5 दिन रखा था, इसमें 5 दिन चले गए, 5 दिन के बाद जो कलर निकल के आया है ये कलर है। अभी इसमें होता क्या, लकड़ी कोई कलर नहीं छोड़ती है, जो हम उसको रोस्ट करते हैं, जो जलाते हैं, और जो कार्बन होता है वही कार्बन इसमें घुलता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे पार्टिकल छोटे छोटे भी उसके अंदर मिक्स होते हैं, तो एक बार आपको फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको। ये मेथड भी मैं नहीं यूज़ करता हूँ,
अभी ये तीसरा जो मेथड है ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ और आज के बाद हो सके तो आपको लोग बताना शुरू करेंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो इसमें क्या किया है मैंने, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंस्टेंट कलर आता है। थोड़ा सा विस्की ले लो, मैंने यहाँ पे जो डिस्टिल किया हुआ लूँगा, थोड़ा बचा था 50 ml के आसपास मैं लूँगा इसमें। देख सकते हो, फोकस करता हूँ थोड़ा मैं, 50 ml के आसपास है, 50 ml विस्की लिया है। अब इसमें करना क्या है, कलर देने के लिए आपके घर में, सबके घर में रहता है ये चीज, अब ब्लैक टी लो, चाय पत्ती जो होती है काली वाली, थोड़ा सा ही लो एकदम, मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया है, और इसके अंदर डाल दो बस। अब देखना इतना खूबसूरत और इतना जल्दी कलर आएगा इससे, थोड़ा सा इसे शेक करना पड़ेगा। देखो अल्कोहल में घुलना शुरू हो गया कलर इसका, बहुत ही जल्दी कलर घुलता है। अब इसको आप जितना ज़्यादा टाइम रखोगे उतना ज़्यादा ये गाढ़ा होते जाएगा। नॉर्मल 2 से 3 मिनट में विस्की का जो कलर होता है वो आ जाता है, 2-3 मिनट शेक करते रहो ये आ जाएगा। अब मैं ये टी क्यों लेता हूँ, क्योंकि टी में थोड़ा सा स्मोकी जो फ्लेवर होता है विस्की का वो अपने आप आ जाता है यहाँ पे, और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है टी में, काफ़ी अच्छी बात है। आप चाहिए तो इसे 3 से 4 घंटा भी रख सकते हो, बहुत ही गाढ़ा कलर हो जाएगा, उतना ज़रूरत नहीं है। 2-3 मिनट रखोगे, 3 या 4 मिनट मैक्सिमम, 4 मिनट तक इसको शेक करो, अपने आप हो जाता है स्टर करने। देख सकते हो कितना अच्छा और कितना क्लियर कलर आता है इससे। ये ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया है शेक करते हुए, अभी देख सकते हो कितना अच्छा कलर निकल के आया है। अभी इसमें क्या है, फ्लेवर इन्हांस करना है थोड़ा सा, तो हम इसमें कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप किशमिश ले लो, जो ड्राई ग्रेप्स रहते हैं वो ले लो और इसके अंदर डाल दो, या आप चाय पत्ती को छानने के बाद करो, क्योंकि चाय पत्ती को छोड़ोगे उसके अंदर, अभी तो मैंने ऐसे रखा है, चाय पत्ती को उसमें छोड़ोगे तो कलर और भी डार्क होते जाएगा जितना ज़्यादा टाइम रखोगे। ये किशमिश मैंने क्यों लिया है, किशमिश में क्या होता है कि नेचुरल शुगर होती है, जो थोड़ा सा इसमें स्वीटनेस आ जाएगा उसकी वजह से। अब देख सकते हो ये घुलना चालू हो गया, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ये करीबन आप 7-8 घंटा छोड़ोगे तो किशमिश पूरी तरह से फूल जाता है। और किशमिश में आपको पता ही होगा बहुत सारे लोगों को कि इसमें आयरन होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम, फाइबर, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। और ये मैंने वाइन रखी थी, रेड वाइन, तो ये भी हो चुका है, लेकिन मेरे ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे जो चाहिए इसको फिल्टर करने के लिए वो मेरे ऑफिस में है, तो उसकी वजह से मुझे इसमें टाइम लग रहा है, और ये फर्मेंटेशन होने में अभी अब 5-6 दिन और बाकी है, तो वो होने के बाद ही मैं इसे फिल्टर करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा हुआ। अभी ये कलर देख सकते हो, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, जो टी लवर्स होंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आज के वीडियो में आपका कलर का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा जहाँ तक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही,